पॉइंट दावा और इन बच्चों के साथ कि एमएमसी के डे वन से और टोटल आप देखो तो 6 क्लासेस हैं आपके पास एमएमसी की, पूरी 12 घंटे की नहीं है, 14-15 घंटे की क्लासेस है हमारी। तो उसमें आप में से कौन कौन मुझे बताइए, एमएमसी मीडियाटेक सैमसंग और कॉलकॉम इन्फो लेने के तो दूर की बात है, चेंज करना सीखेगा, बताओ चेंज करना। सीपीयू कौन कौन निकाल के लगाएगा चालू सर, तो सर एक बार नहीं लगाना है तो तीन बार, हमने कितनी बार बोला है तीन बार सवेरे 12 बजे का कौन कौन लाइव पावर आईसी निकाल के लगा लेगा पक्का? मुझे बताइए। बोर्ड को देखने का नजरिया बदल गया, ये कौन कौन कहने वाला है मुझसे बताओ? बोर्ड को देखने का नजरिया बदल गया, कौन सा हार्ड लगता है वो आप लेकर आओ, कौन सा लगता है वन प्लस का लगता है वीवो का लगता है वो लेके आओ, और 10 से ज्यादा 20 से 30 से ज्यादा लेके आओ। और अगर एक पहले दिन की क्लास को छोड़ दूं, क्योंकि पहले दिन तो हम सीखेंगे, दूसरे दिन के बाद अगर एक का भी प्रिंट उखड़ा, एक का भी प्रिंट उखड़ा उस टाइम पे, तो भी आप मुझसे बोलना कि सर मेरा प्रिंट उखड़ा, तो भाई मैं वो पूरी क्लास इनको उनको वापस दे दूंगा, उस बोर्ड का पूरा पैसा उनको दे दूंगा जिस बोर्ड का ये अगर ये बर्बाद करते हैं। ये चीज मैं ऑन लाइव रिकॉर्ड कह रहा हूँ, समझ आ रहा है मेरी बात? जितना हो सकता है ब्लैक उठना लाओ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा एक डर खत्म हो जाए, इस पर कोई सा भी बोर्ड दो मैं ब्लैक पेस्ट निकाल दूंगा। सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सब कर रही हो पर साली आउटपुट का ट्रैकिंग मिस हो गया, बिस्मिल्लाह ये लाइन कट हो गई। तो देखो मैं कैसे करूंगा, E3 से बाहर कोई ना कोई कंपोनेंट क्या देना चाहिए बताओ? बी मेरे भाई, ना मेरे पास यार डायग्राम है ना मेरे पास, मुझे ये भी पता कौन सा कंपोनेंट है, पर कोई ना कोई कंपोनेंट तो बीप देना चाहिए क्योंकि आउटपुट में लगा ही होता है। तो आइए बीप पे चेक करते हैं। अब देखो, अब मैंने बीप पे ले आया फोन, अब यहां पर वापस स्ट्रेट पे जाएंगे तो अब यहां पर E3 देखेंगे, E3 सुनो उसके पॉइंट से गिनेंगे, तो ए बी सी डी ई, अब क्लॉकवाइज, अब क्लॉक वाइज 1-2-3 करेंगे, 1-2-3 तो ये E3 ये है, तो ट्रैक भी दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर क्या चाहिए बताओ? बीप। अब बताओ यहाँ से यहाँ पर बीप नहीं आई तो क्या आउटपुट AIC बनाकर यहाँ भेजेगी क्या? मतलब यही फॉल्ट है, हमें यहाँ से यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, एक जम्पर मानना पड़ेगा। ये हो सकता है 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये ओपन हो जाए, सिर्फ ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो ये लाइन यहाँ से आने पर क्या बीप आना बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब हम देखेंगे दूसरा आउटपुट कौन सा नंबर पर है, जल्दी बताओ। A2। चलो देखो, तो ये हो गया A1 और ये A2, ये तो ये लाइन जा रहा है यहाँ पर भी, ये कैपेसिटर। तो आउटपुट को हमेशा बीप के साथ चेक करते हैं, किसके साथ? बीप के साथ। वोल्टेज के साथ क्यों नहीं चेक करते, जल्दी बताओ? बोलो ना दिमाग लगा सर, वोल्टेज क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि आईसी तो लगी नहीं है ना, लगी वोल्टेज तो तभी आएगा ना जब आईसी लगाएंगे भाई, वो आउटपुट वोल्टेज तो तभी बनेगा ना जब आईसी लगी हुई है। हम आईसी का रेल की पटरी देख रहे हैं कि पटरी बिछी है तो रेल दौड़ेगी, तो हम पटरी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? ट्रैक, इसी को ट्रैक बोलते हैं पटरी को इंग्लिश में। सो सर आउटपुट, अब सर समझो इनपुट मिल गया। चलिए मैं 2 दिन में कंपोनेंट को अपने हिसाब से खत्म करूंगा ये आपके साथ, तीसरे दिन में आईसी आइडेंटिफिकेशन, तीसरे दिन में मैं इनके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, ये दिल से बोलेंगे जो भी बोलेंगे, लाइव ही होगा, कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं, जो नहीं बोलेगा वो नहीं बोलेगा, उसको फिर से बैठ के सिखाएंगे। हमारा कहना ये है हम अपना पहला दिन दूसरे में बदलेंगे नहीं जब तक कि पहला दिन पूरा नहीं होगा, अब वो भले कैसे भी हो। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये तीसरे दिन हमसे एक शब्द हम इनसे सुनना चाहते हैं, तीसरे दिन और रात के 11 बजे ध्यान रखना, ये शब्द मैं तुम सबसे सुनना चाहता हूँ, तीसरे दिन रात के 11 बजे सर बोर्ड को देखने का नजरिया बदल गया, ये कौन कौन कहने वाला है मुझसे बताओ? बोर्ड को देखने का नजरिया बदल गया, आईसीओ के आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा मैं 80%, तुम्हारा बोर्ड में कोई भी आईसी में उंगली रख के बताओगे कि मीडियाटेक के साथ कितनी आईसी आती है,
उसके साथ अगर मैं बात करूं चौथा तीसरे दिन की सवेरे 12 बजे तक कौन कौन लाइव पावर आईसी निकाल के लगा लेगा? पक्का? यस सर। मुझे बताइए चौथे दिन में सीपीयू कौन कौन निकाल के लगाएगा? चालू तो सर एक बार नहीं लगाना है, तीन बार। हमने कितनी बार बोला है? तीन बार बोला है। यस सर। तीन बार लगाना है सर, परफेक्शन चाहिए। और सिर्फ तीन बार लगा के सेटिस्फाई नहीं होना है सर, आगे वाली क्लास में हर आने वाली क्लास में हमें आईसीयू पे काम करना है। किस पे काम करना है? आईसीयू पे। हमें हर छोटी से छोटी आईसीयू निकालनी है और बड़ी से बड़ी आईसीयू निकालनी है। हमें ब्लैक पेस्टेड काम निकालना है। सो सारे डेड सेक्शन तो आप मेरे साथ होंगे ही। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये डेड का जो छोड़ दो, ये मेरे पर छोड़ दो भाई, मेरे ऊपर बात करते हैं। डेड के बाद इमेंसी की, और इमेंसी से पहले सॉफ्टवेयर की। सो सॉफ्टवेयर में ये इनको दूर के सर मिलेंगे और सॉफ्टवेयर इनको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इनको इमेंसी पढ़ाई जाएगी। इमेंसी में यहाँ पर मुझे बताइए, बेसिक नॉलेज तो खैर आप किसी भी 500-1000 रुपए के कोर्स से उठा सकते हो, यूट्यूब से ऑनलाइन। क्या बेसिक वाले यार, एक ऑनलाइन यूट्यूब में कोई इमेंसी पढ़ा भी रहा होगा, ऑनलाइन यूट्यूब में इमेंसी कोई पढ़ा भी रहा होगा तो वो कितना ही समझा देगा। चलो मैं बोलता हूँ, वो तुमको इन्फो देगा, इन्फो बता देगा, एक इंटरफेस बता देगा, कैसे क्या लगाना ये बता देगा। मैं ये समझता हूँ, पर वो ये दावा नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ। पहले दिन ध्यान देना, लाइव रिकॉर्डेड दावा, और इन बच्चों के साथ कि एमएमसी के डे वन से, और टोटल आप देखो तो 6 क्लासेस हैं आपके पास एमएमसी की। पूरी 12 घंटे की नहीं है, 14-15 घंटे की क्लासेस हैं हमारी। तो उसमें आप में से कौन कौन मुझे बताइए, एमएमसी मीडियाटेक, सैमसंग और कॉलकॉम, इन्फो लेने के तो दूर की बात है, चेंज करना सीखेगा? बताओ, चेंज करना। यस सर। पक्का? यस सर। प्रैक्टिकल, इसलिए हमने इनसे बोर्ड भी बुलवाए हैं कि आप अपने बोर्ड लेके आओ, पल्टी बोर्ड लेके आओ, डैड फोन लेके आओ, क्योंकि वो डैड फोन पहले ही मेरी क्लास में डायग्नोस करेंगे, और मेरी फोन के बाद जब ये हार्डवेयर सीख लेंगे और सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो जब कॉम्बू बन जाएगा ना, तो एमएमसी में उस फोन को रिपेयर करेंगे, ताकि फिर उनके हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा, सॉफ्टवेयर का होगा, और फिर लटकेंगे ये एमएमसी में और वही एमएमसी की क्लास में। और मैं ये जानना चाहता हूँ एमएमसी में ब्लैक पेस्टेड मलाई जैसे कौन कौन निकालना चाहता है, जल्दी बताओ। आपसे मैं अभी एक वादा करता हूँ, मेरी बात समझना, ब्लैक पेस्टर डाल लगना कोर्स में इंक्लूड नहीं है। हमने इनसे भी, हमने आपसे कहा था कि हम अपने तरफ से ब्लैक पेस्टर देंगे क्या? हमने ड्यूल लेकर का कहा था, राइट? सो ब्लैक पेस्टर हम कभी भी स्टूडेंट को नहीं देते खुद से, बट हम ये कह रहे हैं क्यों नहीं देते, रीजन क्या है, रीजन समझो। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूट आपको ब्लैक पेस्टर दे रहा है तो हो सकता है कि आप बोलो सर ये ब्लैक इतना ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक इतना हार्ड नहीं है, आप समझ रहे मेरी बात? तो हम ये चाहते हैं कि आपको कौन सा हार्ड लगता है वो आप लेकर आइए। कौन सा लगता है, वन प्लस का लगता है, वीवो का लगता है, वो लेके आओ, और 10 से ज्यादा, 20 से, 30 से ज्यादा लेके आओ। और अगर एक पहले दिन की क्लास को छोड़ दूं, क्योंकि पहले दिन तो हम सीखेंगे, दूसरे दिन के बाद अगर एक का भी प्रिंट उखरा उस टाइम पे, तो भी आप मुझसे बोलना कि सर मेरा प्रिंट उखरा, तो भाई मैं वो पूरी क्लास इनको उनको वापस दे दूंगा, उस बोर्ड का पूरा पैसा उनको दे दूंगा जिस बोर्ड का ये अगर ये बर्बाद करते हैं। ये चीज मैं ऑन लाइव रिकॉर्ड कह रहा हूँ, समझ आ रहे मेरी बात? जितना हो सकता है ब्लैक उतना लाओ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा एक डर खत्म हो जाए, इस पर कोई सा भी बोर्ड दो मैं ब्लैक पेस्टर निकाल दूंगा इजी, क्योंकि वो ट्रिक तो हमारी है ना इतनी शानदार है, इतनी गजब की है, और वो सिर्फ एक घंटे वाली नहीं है, 6 दिन की ट्रिक है, और 6 दिन अप्लाई करनी है। अब इसके बाद में इमेंसी की बात करेंगे ड्यूएल लेकर। मुझे बताओ यहाँ ड्यूएल के कौन कौन अटेंड करने वाला है, करने वाले हैं से ड्यूएल डे तक का सफर, एमओएलईडी नैन प्रोग्रामिंग और टूल, ये सारी क्लास एसर टेलीकॉम के साथ इस स्टूडेंट के साथ शुरू करते हैं, और शुरू का आगाज शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनको देख लो, इनको हर दिन, अब इनको 3-3 बार 4-4 बार देखोगे, और इनको आखिरी में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इनको ना पूरे दिन में कब देखो, इनको देखो पूरे दिन में रात के 10 बजे के बाद दिन में इनको काम करते हुए देखोगे। रात के 10 बजे के बाद हम इनसे पूछेंगे भाई कि आज मैंने आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया और जो प्रैक्टिकल करवाया वो आपको किस किस को आया, और ये अपनी लाइफ में बताएंगे। जो बोलेगा मुझे नहीं आया वो नहीं आया, और जो बोलेगा आया, जो भी होगा दिल से होगा भाई, दिल से बोलोगे कि नहीं? दिल से बोलना, कोई दिक्कत नहीं।
हम तो ये कहते हैं हम लाइव तभी लेंगे जब हमें लगेगा कि हम लाइव लेने लायक बन गए हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. जब तुम बोलोगे नहीं सर अभी मेरे को बोर्ड के पूरे रजिस्टर निकाल के बता सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ, थर्मिस्टर ढूंढ सकता हूँ, फ्यूज रजिस्टर, कोड रजिस्टर, मैं रजिस्टर की एक रीडिंग बता सकता हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा लाइव कि मुझे बताओ अगर मैं कोई भी बोर्ड दूं और रजिस्टर निकाल के दिखा सकूं, तब तुम बोलना, तब तुम्हें बोलना हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ। समझ आ रहा है? Yes, हमें यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, हम यहाँ कोई फ्रॉड नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार का झूठा वादा है, किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट का ये कोई डर कि बैकअप नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ बैकअप की तो बात ही नहीं है, जो फीस आप दे रहे हैं वो केवल ट्रेनिंग की फीस है। किसकी फीस है? ध्यान देना, ट्रेनिंग की फीस है। बैकअप का तो बहुत प्यार और सम्मान से ही मिलता है, बैकअप की तो कोई फीस ही नहीं है, बैकअप तो बहुत प्यार और सम्मान से दिया जाता है। सो सर ट्रेनिंग की फीस है और ये पूरी फीस निकालना है, हमको पूरे पैसे निकालना है फीस के। कौन को निकालना चाहते हैं आप फीस के पैसे? पक्का? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Are you? Would you be waiting there too?
ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सर रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।